I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. Shalimar mein bahut achhi picture lagi hai. 5 baj chuke hain, 6 bajne wale. Oh, are? 6 bajne wale? Chaliye uthiye aur foran mere saath chaliye. Tum chalo yaar, mujhe ek zaruri kaam hai. हाँ, ये रोज रोज 6 बजे कौन से जरूरी काम पर आप जाते हैं ये मुझे मालूम है. तुम्हें मालूम है? जी. क्या मालूम है? यही कि ये जुल्फ का कोई हसीन चक्कर है. वेरी गुड. दूर की सोचते हो दोस्त. अच्छा चलता हूँ, कल मिलूंगा. अच्छा मम्मी, झूला है झूला, मजा आएगा. मम्मी आइसक्रीम. आइसक्रीम तो हम भी खाएंगे भाई. हाँ तुम भी, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए. बहाना नहीं, आइसक्रीम चाहिए. बच्चे के साथ बच्चा हो जाता है. बेटे अच्छा चलो चलो चलो. तुम क्या करते हो? वनीला खाना अच्छा वाला देना. मैं तो चॉकलेट खाऊंगा भाई. ये लो किशन. किशन किशन कहाँ गया? किशन 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 अबे वो देख, ले चले चल. अले 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 अले, रोते क्यों हो बेटे? मेरी मम्मी कहाँ है? अरे हम तुमको तुम्हारी मम्मी के पास ले चलते हैं बेटा. मुझे मम्मी के पास चला. बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हो? बच्चा हमारा है, इसे हम कहीं भी ले जाए. तुझे ऐसे क्या? बच्चे को मेरे हवाले कर दो वरना. किशन 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 मम्मी, कैसी माँ हो तुम? एक बच्चा नहीं संभाला जाता तुमसे? अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो वो गुंडे इसे उठा कर ले गए होते. अगर इसे कुछ हो जाता तो हम सबका क्या हाल होता? यही एक रोशनी है जिंदगी की. अगर यही बुझ जाती तो हम सब ठोकरे खाते होते. आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा कह गया. क्या कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका. मैं भी किशन को बहुत चाहता हूँ ना. अरे आपका खून निकल रहा है. नमस्ते माँ जी. नमस्ते. किशन कहाँ है? वो नहीं है. और ये शदा? वो भी नहीं है. मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा मिलता चलूं. आप हमेशा इधर से ही क्यों गुजरा करते हैं? जी पूछ सकती हूँ आप यहाँ क्यों आते हैं? मैं किशन को देखने आता हूँ. बच्चे का बहाना बहुत हो गया. यहाँ बार बार आपका आना ठीक नहीं है. आप इस दरवाजे से आएंगे और हमारी बदनामी इसी दरवाजे से बाहर जाएंगे. आप मुझे गलत समझ रही हैं. मैं सब समझ रही हूँ. मेहरबानी करके आप आइंदा यहाँ मत आया कीजिए. देवी जी, उस तरफ पानी बहुत भरा हुआ है. कोई टैक्सी वाला जाने को तैयार नहीं है. किशन आप और यहाँ? इसको लेकर बाजार आई थी. अंकल जाने के लिए टैक्सी भी नहीं मिल रही है. टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल है, सारे रास्ते बंद हैं. आप ऐसा कीजिए मेरे घर चलिए और बारिश हो जाए तो चले जाइएगा. नहीं हम लोग चले जाएंगे. देखिए आप भीग रही हैं, ये भी भीग रहा है. मम्मी चलो ना. नहीं बेटे आप खाम खा जिद करिए. आइए ना, आइए.
अरे काका, किशन को अंदर ले जाओ और इसके बाल अच्छी तरह पोंछ देना। जी। और सुनो, गर्म शॉल भी लपेट देना। अच्छा मालिक। अरे आप भी तो बिल्कुल भीग गई है। नहीं तो। नहीं तो क्या, मैं अभी कुछ लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। जरूरत क्यों नहीं, मैं अभी आया। ये लीजिए, अपने गीले कपड़े बदल डालिए। जी। आप इस तरह भीगी रहेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। प्लीज, ये देवकी की साड़ी है, आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? उस तरफ कमरा है। अरे वाह मालिक, खिलौने चाहिए? हाँ। अच्छा चलो। इस साड़ी में आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आइए, चाय पीजिएगा। लाइए, मैं बनाती हूँ। आज देवकी की याद होने को कौन टाल सकता है? अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। कहिए। आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? जी, मेरा मतलब है आपका कोई बच्चा तो है नहीं, बिल्कुल अकेले हैं आप। ये अकेलापन तो मैंने जानबूझकर खरीद लिया है, कुछ तो वक्त ने लूट लिया और जो बाकी बच गया था उसे मैंने दूसरों पर लुटा दिया। सोचता हूँ बदले में मुझे क्या मिला। आप अपनी कुर्बानियों का बदला चाहते हैं? कुर्बानी तो बदला नहीं चाहती, लेकिन दिल का चैन भी तो नहीं छीन लेती। कुछ शांति किशन को देखने से मिल जाती थी, वो भी दुनिया वालों से देखी नहीं गई। आपकी माताजी ने मेरे लिए अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन अगर आप चाहती तो अपना बच्चा किसी भी तरह मुझे दिखा सकती थी। ये कैसा अंधेर है कि सारी दुनिया उसे देख सकती और मैं ही उसे नहीं देख सकता। लेकिन क्यों किशन साहब, के क्या रिश्ता है? किशन आपका बेटा तो नहीं? फिर आपके दिल में उसके लिए ये तड़प क्यों है? क्यों है ये तड़प? किसी बच्चे को बाप जैसा प्यार देना कोई गुनाह नहीं है। अगर किशन बिन माँ का बच्चा होता तो यही प्यार इंसानी हमदर्दी कहलाता, लेकिन आज ये गंदगी है, कलंक है, इसलिए कि तुम खूबसूरत विधवा हो जवान। बस कीजिए, मैं आपको अपने बच्चे का वास्ता देती हूँ। बस कीजिए, बस कीजिए। मम्मी, अंकल के यहाँ बहुत सारे खिलौने, बहुत मजा आया। किशन, मुझे घर ले चल बेटे, मुझे घर ले चल। मम्मी, लेकिन अभी तो टैक्सी नहीं मिलेगी, जब बारिश रुक जाएगी फिर मैं तुम्हें ले चलूंगा। किशन, 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 ये किशन के खिलौने आप मेरे घर बुलाई थी। आपको आने की क्या जरूरत थी? किसी से भिजवा देते? समझा, मेरा यह आना आपको भी अच्छा नहीं लगा। सवाल अच्छे बुरे का नहीं है। तो फिर और क्या बात है? क्या मैं पूछ सकता हूँ मुझे इस घर से नफरत क्यों मिल रही है? क्योंकि हर घर रिश्तों से बंधा हुआ है, आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, फिर क्यों आते हैं आप? मैं आपसे कह चुका हूँ ना, मैं किशन के लिए यहाँ आता हूँ। लेकिन लेकिन दुनिया तो ये नहीं समझती। मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। मगर मुझे, मैं दुनिया की नजर से गिरना नहीं चाहती। लोग मुझ पर उंगलियां उठाते हैं, मैं अपने सफेद आंचल पर बदनामी का एक भी दब्बा नहीं पड़ने दूंगी। कब मैंने तुम्हें उस नजर से देखा है जिससे तुम पर कोई कलंक आए? कब तुमने ये सोचा कि मैं तुम्हारी मजबूरी से फायदा उठाना चाहता हूँ?
कब तुमने ये अंदाजा लगाया कि मैं अपनी इंसानियत से गिर गया हूँ? मुझ पर रहम कीजिए, आप यहाँ मत आया कीजिए। मैं अपनी बदनामी का एक पल भी सहन नहीं कर सकती। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ से जाइए और फिर कभी मत आइएगा, कभी मत आइएगा। जिसके नसीब में जो कुछ लिखा हो वो तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। ये बीबी भी अपने नसीब का बनवास पूरा कर रही थी। उस दिन हम बंजारों का कारवां चला जा रहा था, दूर नदी के किनारे ये बीबी हमें जिंदगी और मौत के बीच लटकी हुई नजर आई। जिसे ऊपर वाला जिंदा रखना चाहे उसे भला कौन मार सकता है, लेकिन जब इसे होश आया तो ये सब कुछ भूल चुकी थी, खुद को भी। हर कोशिश नाकाम हो गई, दवा भी की, दुआ भी की, लेकिन इसकी खामोश और बेजान जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया। न जाने कहां कहां भटकती फिरती थी। और फिर अचानक एक दिन ये भी उसी की कुदरत है बेटा, एक बच्चे ने माँ को जिंदगी में फिर से लौटा दिया। ये बिटिया बड़ी भाग्यवान है जो फिर से अपने पति और मुन्ने के पास वापस आ गई। बेटा मुन्ने को ले आओ, हम उसे दुआ आशीर्वाद देकर अपने वतन चले। मुन्ना सो रहा है, मैं भी लेकर आती हूँ। देखी मुन्ना, जी मुन्ना कहाँ है? कहीं बाहर खेलने गया है? अरे आप खामोश क्यों हैं? बोलिए ना, मेरा बच्चा कहाँ है? शायद उसकी परवरिश हमारे हाथों में नहीं थी। उस हादसे में हमारा मुन्ना हमारी किस्मत से निकल गया। नहीं, नहीं, मैंने अपना बच्चा तुमको दिया था। मैं अपना बच्चा तुमसे लूंगी, मैं अपना बच्चा तुमसे लूंगी। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। देखी, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। आज मुन्ना होता तो इतना ही बड़ा होता, ऐसा ही नाजुक, इतना ही भोला भाला खूबसूरत। देवकी, पतझड़ में बाहर को नहीं ढूंढा करते, जो वक्त गुजर गया उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाओ? मेरे बच्चे की याद हजारों यादों को अपने साथ ले आती है। अरे पगली, और फूल भी तो खिल सकते हैं। मेरा प्यार तुम्हारे अरमानों की गोद फिर से भर देगा। हेलो डॉक्टर। हेलो, बैठिए मिस्टर आनंद। डॉक्टर, रिपोर्ट आई? हाँ मिस्टर आनंद,
मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपकी पत्नी अब कभी मां नहीं बन सकती जी। आई एम वेरी सॉरी। उस एक्सीडेंट और बरसों की बीमारी से आपकी पत्नी की नर्व्स बहुत कमजोर हो चुकी हैं। इसका मतलब है कोई उम्मीद नहीं है डॉक्टर। मिस्टर आनंद, कई बार हम डॉक्टर्स बहुत निराश हो जाते हैं, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी कुछ और ही होती है। कभी कभी मिराकल्स भी हो जाते हैं। मिराकल्स? झूठी तसल्ली मत दीजिए डॉक्टर साहब। मैं समझ गया कि औलाद का सुख हमारे नसीब में नहीं है, लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ये बात देवकी को मालूम नहीं होनी चाहिए। वैसे वो बहुत दुखी है, ये सदमा शायद वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। To get access to blockbuster Bollywood movies, subscribe to Shimaru Me now.